हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका GTA 5 के न्यू एपिसोड में। गाइस, लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को एक मेंशन दिखाया था बाहर से, और मैंने पूछा था अगर आप लोगों को ये मेंशन अंदर से देखना होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया और कहा कि जी हाँ, ये मेंशन हमें अंदर से देखना है। सो गाइस, वो मेंशन हम लोग आज इसी एपिसोड में अंदर से देखने वाले हैं और पूरा का पूरा मेंशन एक्सप्लोर करने वाले हैं। गाइस, उस मेंशन पर हम लोग बाद में जाएंगे, उससे पहले माइकल जाने वाला है चर्च, और चर्च जाकर प्रे करने वाला है गॉड से कि GTA 5 की सबसे खतरनाक गैंग लॉस्ट गैंग माइकल का पीछा छोड़ दे। क्योंकि गाइस, लास्ट एपिसोड में माइकल ने गलती से लॉस्ट गैंग से पंगा ले लिया था। तब से अभी तक माइकल जहां पर भी जाता है, माइकल के ऊपर लॉस्ट गैंग अटैक कर देती है। और लास्ट एपिसोड में माइकल के ऊपर हेलीकॉप्टर से लॉस्ट गैंग ने अटैक किया और माइकल की थार को ब्लास्ट कर दिया एक ही मिसाइल में। गाइस, ये सब लास्ट एपिसोड में हुआ था और लास्ट एपिसोड बहुत ही ओपी बना था। अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर वो देख लो। इससे आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, उसके बाद में ये एपिसोड देखना। अब मैं आप लोगों को कार दिखाता हूँ, और ये कार हमें दिया है उस शोरूम के मालिक ने, जिसके वजह से ये सब पंगा स्टार्ट हुआ है। गाइस, ये कार आप लोगों को मैं अंदर से दिखाता हूँ और आप लोग इसकी सेफ्टी देखो। सब पाइप्स जो लगे हुए हैं, अगर ये कार पहाड़ से भी गिर जाएगी तो भी अंदर बैठे हुए पैसेंजर या फिर ड्राइवर को कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये कार को हम लोग निकालते हैं और चलते हैं चर्च, और चर्च जाकर हम लोग गॉड से प्रे करते हैं कि माइकल के ऊपर अब जो भी हमला होने वाला है वो हमला टल जाए। बस ये जो चर्च है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस हमें आगे से लेफ्ट लेना है और चर्च के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे, मतलब चर्च के सामने हम लोग पहुँच जाएंगे। बस यहाँ पे अपनी कार को मैं पार्क कर देता हूँ, यहाँ पर ही अपनी कार को मैं पार्क कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस तरफ से ऐसे पार्क करता हूँ क्योंकि कार वो तरफ चल रही है, मतलब मैं उल्टी तरफ कार को पार्क नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे कार को पार्क कर दिया। अब कार को यहाँ पे पार्क करते हैं, यहाँ से कार कहीं जाने वाली नहीं है। सामने चर्च है और चर्च के अंदर जाके प्रे करते हैं कि ये लॉस्ट गैंग का जो मैटर है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। चर्च में हम लोग आ तो गए, बट इतना ज़्यादा खाली खाली क्यों है चर्च? कोई भी नहीं है यार, चर्च में इतना ज़्यादा खाली क्यों है? शायद थर्सडे को इसके अंदर, मतलब चर्च के अंदर भीड़ यूजुअली थर्सडे को ही होती है। तो अब चलते हैं, अब हम लोग को जो मेन मोटिव है यहाँ पर आने का वो कर लेते हैं, प्रे कर लेते हैं। बट पीछे अगर साउंड आप सुन रहे हो तो बहुत अमेजिंग सा पियानो का साउंड आ रहा है ना, बहुत अच्छा सा साउंड है, वो भी देख लेंगे हम लोग। बट उससे पहले हम लोग प्रे कर लेते हैं गॉड से। ओके, तो गाइस, माइकल ने प्रे कर लिया है और अब मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ इस चर्च को, क्योंकि मैं ये साउंड कहाँ से आ रहा है देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये कहाँ से साउंड आ रहा है देखने के लिए। इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से तो साउंड नहीं आ रहा है, शायद से ऊपर से साउंड आ रहा होगा क्योंकि ऊपर भी एक फ्लोर है इसका, और लेफ्ट साइड में इसके स्टेयर से मैंने वो भी देख लिया। तो ऊपर जाके देख लेते हैं कि ऊपर कोई पियानो वगैरह क्या बजा रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है। ओके, तो प्राइस यहाँ पर बैठे हुए है और पियानो बजा रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, उनको प्ले करने देते हैं पियानो को। हमारा जो काम था यहाँ पर आके प्रे करने का वो हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस मैंशन को, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को अंदर से भी। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और मेंशन देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो गाइज, ये रही मेरी कार। अब कार को लेते हैं फुल स्पीड में, भगाते हैं और चलते उस मेंशन पर। और ये कार से हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। अब कार को एकदम स्पीड में भगाते हैं और चलते उस मेंशन पर। अरे भाई, जैसे कि मैंने कहा था कि लॉस्ट गैंग हमारे पीछे पड़ जाती है, कहीं पर भी माइकल जाता है और वहाँ पर लॉस्ट गैंग पहुँच जाती है और माइकल के ऊपर अंधाधुंध हमला करती है। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कुछ बाइकर्स है, बाइकर्स क्या है, वो लोग लॉस्ट गैंग के ही बंदे हैं जो कि माइकल के पीछे पड़ चुके हैं। और अब मुझे इन लोगों को मारना होगा या फिर इन लोगों से भागना होगा। तो मैं जल्दी से उस मैंशन को मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो मैंशन की तरफ चलते रहेंगे और इन लोग से फाइट भी करते रहेंगे। एक्चुअली मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मार्क क्या ही करूँ मैं, मुझे रास्ते सब पता है GTA 5 के। तो मुझे यहाँ से नीचे की तरफ लेना है और हाईवे को टच करते ही मैं इतना स्पीड भगाने वाला हूँ ना इस कार को कि वो जो बाइकर्स हैं ना पीछे, वो मेरे आसपास भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि कार की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इस कार की। ओह शिट, सॉरी अंकल, कार में स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो गया। मैं देख लेता हूँ एक बार कि अरे भाई, बाइकर बहुत स्पीड में आ रहा है और कंटिन्यू गन चलाए जा रहा है यार वो। एक काम करता हूँ ना, मैं इन लोगों को पहले मैं मार देता हूँ। अरे शिट 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 शिट, एक काम करता हूँ मैं इन लोगों को पहले मार देता हूँ, वरना वो मेंशन पे जाने के बाद में ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे मार के गिरा देता हूँ। ओ भाई, मैंने को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सामने जो ये
वैन वाला भी उसके साथ में ही है क्या? नहीं नहीं, वैन वाला साथ में नहीं, मैं एक्चुअली मुझे उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और एक पीछे कार वाला आ रहा था उससे ठोक दिया उसने। बट एक थे या फिर दो थे, दो थे भाई, यहाँ पर एक और आ गया। चलो दो थे और दोनों को ही मैंने मार गिराया। मैं उम्मीद करूँगा कि और भी ना आए, बट ये लॉस्ट गैंग है, जितने जितने लोग आएंगे उतने कम ही रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है इनका और कितने बंदे हैं इनके साथ में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। मैं सोच रहा हूँ ना कि लेस्टर को कॉल करूँ और इनका खात्मा करने के लिए कुछ तो भी प्लान बनाऊँ। पहले तो इनको ढूंढ निकालना होगा कि ये लोग रहते कहाँ पर है, इनका जो ग्रुप है पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ पर मिलेगा, इनका जो बॉस है वो कहाँ पर मिलेगा। अगर वो लोग मिल जाएंगे तो हम लोग जो है वो उन लोगों को मार गिराएंगे। बट उसके लिए पहले मुझे मैंशन आप लोगों को दिखाने का मैंने वादा किया था लास्ट एपिसोड में, पहले मैं आप लोगों को मैंशन दिखा देता हूँ, उसके बाद में इनका इलाज करेंगे। हम लोग मैंशन के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, हम लोग फुल स्पीड हम लोग की जो है वो 90 तक चले गई थी। तो मुझे आप लोग रिवर्स करके देख लेना कि मेरी फुल स्पीड कितने तक गई थी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रहा वो मैंशन बातों में। अबे शिट, सॉरी अंकल, टकलू अंकल सॉरी, एक मिनट मैं थोड़ा सा इधर पे ना वेट करके देख लेता हूँ कि अगर कोई और मतलब लॉस्ट गैंग का बंदा आ रहा होगा तो उन लोगों को मैं बाहर ही मार के गिरा दूंगा, वरना अंदर जाने के बाद में वो लोग आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ मैं, और थोड़ी देर तो वेट कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि और कोई आएगा, दो ही बंदे थे शायद से उन लोगों को मैं गलती से दिख गया होऊंगा, इस वजह से उन लोग मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिए, बिना अपने पूरे गैंग के साथ में नहीं आए वो लोग दो ही लोग थे और दोनों लोग को मैंने मार गिराया है। अब चलते हैं अंदर मैंशन देखते हैं, और ये वही मैंशन है यहाँ से मैंने लॉस्ट गैंग के बंदर लोगों को मार भगाया था, और जो शोरूम का जो मालिक है उसने मुझे बोला कि ये मैंशन है और इस मैंशन के ऊपर लॉस्ट गैंग के बंदे लोग आके मतलब आके रहने लगे, कब्जा कर लिए, और उन लोगों को मैं मार के भगाऊंगा लॉस्ट गैंग के बंदे लोगों को। एक सेकेंड, डबल आवाज़ कहाँ से आई, पीछे कोई आया है क्या? मैं एक बार जाके चेक कर लेता हूँ वहाँ पर, कि मुझे लग रहा है कि पीछे कोई आया हुआ है। एक्चुअली गेट तो उसका लॉक है, मुझे नहीं लगता है कि वो अंदर आ पाएगा। नहीं, कोई भी नहीं आया, मेरा वहम था, मुझे लगा कि कोई आया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड में मैं एक इंडियन कार लेने के लिए गया था, और वहाँ का जो ओनर था शोरूम का, उसने कहा कि मेरा एक मैंशन है, वो ये मैंशन था, और इस मैंशन के अंदर आकर लॉस्ट गैंग के बंदे लोग कब्जा कर लिए, अगर मैं उन लोगों को मार के भगाता हूँ तो वो मैंशन का जो ओनर था वो मुझे फ्री में एक कार देगा। और थार दिया था उसने मुझे, और थार लेते ही मैं बाहर निकला, और बाहर निकलते ही लॉस्ट गैंग ने मिसाइल मारकर वो थार को फोड़ डाला। और यहाँ पर ये जो मैंशन है फुल्ली ऑटोमेटिक है, एआई सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, और मैं आप लोगों को मैंशन एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर जाने का भी रास्ता है, नीचे भी जाने का रास्ता है, बट मैं आप लोगों को पहले ये फ्लोर दिखाता हूँ, फिर बाद में अंडरग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दिखा दूंगा। यहाँ पे मस्त एकदम पियानो रखा हुआ है, जो कि अभी प्राइस्ड बजा रहे थे, ये वाला पियानो नहीं बजा रहे थे एक्चुअली, वो चर्च का पियानो बजा रहे थे। और यहाँ पे भी एक कुछ तो भी है, यहाँ पे भी ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं हम लोग, बाहर का नहीं एक्सप्लोर करेंगे, बाद में बाहर का एक्सप्लोर करने वाले। यहाँ पर ओ वाओ, यहाँ पर जिम भी है, जिम के साथ में बॉक्सिंग रिंग भी है, और यहाँ पे वार्डरोब वगैरह है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ एक्चुअली, अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बट मैं प्रैक्टिस अभी करूँगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लोर करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक्सप्लोर करके सिर्फ दिखाऊंगा। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी बहुत हाईटेक वाला बनाया है। भाई ये अंदर क्यों नहीं जा पा रहा है, फंस रहा क्यों हूँ मैं? ओके, बहुत ही अमेजिंग मैंशन है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैंशन है। तो ये वॉशरूम क्या ही आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, एक्चुअली एक्सप्लोर कर ही चुके हम लोग। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मैंशन के अंदर। आप लोगों को मैं अब दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि ये फ्लोर तो हम लोग देख चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में हम लोग आएंगे ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करने के लिए। तो अंडरग्राउंड एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे कुछ रूम्स है, तो ये भी मैं एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे डुअल मॉनिटर पीसी रखा हुआ है, और निकल ले भाई बाहर। ये सब के सब जो भी रूम्स है यहाँ पर, सब के सब लॉक्ड नहीं है, अनलॉक्ड है, और हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये भी एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का शील्ड रखा हुआ है, थॉर का हैमर रखा हुआ है,
और वो चुटकी बजाने वाला ग्लव्स रखा हुआ है। एक्चुअली ये जो मैंशन है, ये मैंशन है स्टार्क का, आयरन मैन का है। और यहाँ पर भी लिविंग रूम है, वहाँ पे मेरी कार खड़ी हुई है, फास्टेस्ट कार जो कि मुझे शोरूम के मालिक ने दिया हुआ है, ओनर ने दिया हुआ है। और मैं इसको भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मतलब इसे भी मैं ओपन करके आ सकता हूँ। ये भी एक वॉशरूम ही है, मतलब बात लेने वाला वगैरह रहेगा वो। और यहाँ पर भी एक रूम है, इसे भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई वार्डरोब है, क्या है ये वार्डरोब, इतना बड़ा वार्डरोब किसका होता है, स्टार का। एक्चुअली अंदर रूम भी है इसके अंदर, मैं देखता हूँ कि ये वर्क करती है या नहीं, टीवी वर्क करती है या नहीं। ओके, तो इसके हेलो, अंदर सर गुड टीवी भी वर्क मॉर्निंग। करती है, वाह यार बहुत अच्छी बात है ये तो। टीवी भी वर्क करती है, चैनल वगैरह चेंज होता है क्या, चैनल वगैरह भी चेंज होता है इसके अंदर। और टीवी को ऑफ करते हैं और चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं। टीवी भी जो है बहुत ही अच्छी खासी है, मतलब भाई मौज है यार। इस शोरूम का जो मतलब जो शोरूम है, कार शोरूम है, उसका जो मालिक है, ओनर है, उसकी मौज है। इतना अच्छा मैंशन है इसके पास में, इतना अच्छा शोरूम है। अब मैं आप लोगों को इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ, अंडरग्राउंड दिखाता हूँ। और अंडरग्राउंड हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में चलेंगे लेस्टर के पास में, और लेस्टर से हम प्लान बनाएंगे हम लोग कि ये जो लॉस्ट गैंग है इसको हम लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा अंदर का भाई वर्क प्लेस, कितनी चार कार खड़ी हुई है, इसमें से तीन तो सुपर दिख रही है, एक बाइक भी है, और यहाँ पे आयरन मैन के सूट्स भी है, चार सूट्स है आयरन मैन के। इसके अंदर मैं जा सकता हूँ क्या? ओके, तो ये भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कहाँ निकलूँगा, बाहर ऊपर निकल जाऊँगा। ओ भाई साहब, यहाँ पर वॉशरूम है, बहुत ही बड़ा मैंशन है यार ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैंशन है। जितना घूमेंगे उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा ही लगेगा। वहाँ पर भी टीवी है, वो भी वर्किंग ही होगी। अभी तो मैंने एक टीवी देख लिया है, दूसरी टीवी क्या ही देखना है। तो अब चलते हैं इसके भी नीचे, यहाँ पर और भी एरिया है, तो मैं इसके नीचे जाता हूँ और इसके नीचे भी जाकर देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आयरन मैन के सूट्स है, तीन चार सूट्स है, पाँच सूट्स है। और अगर मैं अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो मैं यहाँ पर क्या है, ओके तो हम लोग यहाँ से भी नीचे आ सकते हैं, वहाँ से भी नीचे आ सकते हैं। दो दो रास्ता बनाया हुआ है। तो इसके अंदर ये भी है भाई, सेक्रेट रूम भी है इसके अंदर। और यहाँ पे विज़न के ऊपर कुछ तो भी काम चल रहा रहेगा, आयरन मैन कुछ तो भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे विज़न के ऊपर। अब हम लोग को मुझे लगता है कि मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और आप लोगों को पूरा का पूरा मैंशन मैंने ये एक्सप्लोर करके दिखा दिया है। अब चलते हैं बाहर निकलते हैं, यहाँ से मैं एक बाइक ले लेता हूँ, बाद में हम लोग जो है वो बाइक कोई तो भी आके रख देगा, जो भी इसके अंदर आएगा इस मैंशन के अंदर, वो बाइक ला कर वापस दोबारा से अंदर रख देगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैंशन है। और बाहर निकलने के लिए अगर मैं चल के आता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और यहाँ पर आप मेरी कार की हालत देख सकते हो, कितनी ज़्यादा बुरी हो गई है। अब कार के अंदर बैठते हैं, और कार के अंदर बैठने के बाद में हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास में और प्लान करते हैं लॉस्ट गैंग को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो फुल स्पीड में भगाते हैं, और मैं अब उम्मीद करूंगा कि अब मुझे रास्ते के अंदर लॉस्ट गैंग का कोई भी बंदा ना मिले। अब चलते हैं लेस्टर के पास में और प्लान करते हैं कि लॉस्ट गैंग को कैसे खत्म करें। और लॉस्ट गैंग का बॉस अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो उसको वो पिटाई करूंगा ना भाई उसकी मैं, कि वो क्या ही याद करेगा। बाहर तो निकल गया हूँ मैं, अब लेस्टर के पास चलते हैं। लेस्टर का घर मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेस्टर का घर भी मुझे याद है, रास्ता याद है उसके। तो अब फुल स्पीड में भगाते हैं। अब मैं इस कार की स्पीड देख सकता हूँ कि ये एक्चुअली कितना स्पीड में भागती है। 100 तो एक्सीलेटर देते ही चले जाती है, इसकी स्पीड 160 तक चले गई है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे ध्यान दूंगा तो मेरी कार जो है वो दोबारा से ठुक जाएगी, और मेरी कार ऑलरेडी दो तीन बार ठुक चुकी है। तो 175 बहुत ईजी जाती है, 190 भी क्रॉस कर चुकी, 200 क्रॉस कर दिया इसने, बट मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया। हो सकता है कि 250 तक भी जा सकती है कार की स्पीड, बट 212, 214, 215, 220 तक जो है वो इसकी मैक्स स्पीड होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा जाएगी नहीं है इसकी स्पीड। 220 भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी स्पीड है कार के हिसाब से। तो फिलहाल ये ओ शिट, ये स्पोर्ट्स कार है, ये सुपर कार नहीं है, फिर भी इसकी स्पीड 220 तक जाती है। तो सोचो कि सुपर कार की स्पीड कितने तक जाएगी। इधर पे भाई जो वो कार का एक्सीडेंट, जो लॉस्ट गैंग के बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी भी यहाँ पर ही पड़ा है यार। ये एम्बुलेंस वाले क्या कर रहे हैं, इसको लेके क्यों नहीं गए? और दो बंदे थे एक्चुअली, वो इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको तो मैंने मार गिराया था। दो बंदे थे और दोनों यहाँ के यहाँ ही पड़े अभी भी, चलो उनको पड़े रहने देते हैं। और इनके गैंग के बंदे कैसे यार, इनको ढूंढने भी नहीं आए और इनको लेकर भी नहीं गए। और दोबारा से मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, और वहाँ से मतलब उसी चर्च के रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि चर्च का रास्ता मिलेगा ही। ओह शिट, लेस्टर के इधर पहुँचने के लिए मुझे चर्च के रास्ते से होते हुए ही जाना पड़ेगा।
और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे दोबारा से लौट जाएंगे बंदे ना मिले, क्योंकि मैं चर्च के रास्ते से निकला था तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर वो लोग दोबारा आ गए हो। बट कोई बात नहीं, हम लोग को उसी रास्ते से जाना है तो हम लोग को उस रास्ते से ही होते हुए लेस्टर के घर जाना होगा। ओके तो गाइस, मैंने अपनी कार को यहाँ पे पार्क कर दिया और मैं सोच रहा हूँ कि लेस्टर के घर क्यों ही जाना है, उसको कॉल करके मैं पूछ लेता हूँ और कॉल पे बात कर लेता हूँ। तो लेस्टर को कॉल लगाते हैं और कॉल पे बात कर लेते हैं लेस्टर से एक बार और उसको सब जो भी हुआ है सब कुछ बताते हैं और उसके बाद में उसका ओपिनियन दे लेते हैं और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें आगे। ओके तो गाइस, मेरी लेस्टर से बात हो गई और लेस्टर कह रहा है कि मैं तुझे एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे मुझे मिल सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद में कितने लॉस्ट गैंग के बंदे मिलेंगे उसने कुछ भी नहीं बताया, बट वहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे और उनका बॉस भी हो सकता है कि मिल सकता है। तो अपने कार के अंदर बैठते हैं और कार के अंदर बैठने के बाद में लॉस्ट गैंग के बंदे लोग को ढूंढते हैं, मतलब ढूंढते तो नहीं है, लोकेशन तो मुझे मिल गया, लोकेशन पर चलते हैं। सो गाइस, कार को भगाते हुए पहुंच गया हूँ डेस्टिनेशन पे, जो लेस्टर ने मुझे लोकेशन दिया था वहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। और रास्ते में मैंने अपनी कार को भी रिपेयर करा लिया और लगे हाथ अपने आप को भी जो है वो थोड़ा बहुत, अपना जो ड्रेस था बहुत पुराना सा ड्रेस मैंने पहना हुआ था वो भी मैंने चेंज कर लिया है। अब चलते हैं ट्रक के अंदर और ट्रक के अंदर लेस्टर ने ऐसे सेटिंग करके रखा हुआ है कि ट्रक के अंदर मेरे लिए दो लोग पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। तो अब चलते हैं लॉस्ट गैंग का खात्मा करने के लिए। अब मैं अपनी कार को, मतलब इस ट्रक को भगाता हूँ मैं और चलते हैं लॉस्ट गैंग का जो भी बंदा मिलेगा उन लोगों को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, सच बता रहा हूँ मैं आज। असल में यार लेस्टर को इन दोनों को मेरे साथ में नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि यार ये लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और मुझे इनकी बात सुनने से थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। बट अगर ये लोग रहेंगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मुझे, अगर बहुत ज़्यादा बंदे रहेंगे तो ये लोग भी जो है वो लोगों को मारने में मेरी हेल्प करेंगे। तो अब कार को फुल स्पीड में भगाते हैं, इस जीप को फुल स्पीड में भगाते हैं और पहुँचते हैं लॉस्ट गैंग के खात्मा करने के फर्स्ट स्टेप के पास। बस मुझे इसी रोड पे से लेके जाना है और काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं मैं उस डेस्टिनेशन के जहां पर मुझे लॉस्ट गैंग के बंदे मिलने वाले। तो यहां से मुझे राइट लेना था बट गलती से मैंने आगे निकल गया, कोई बात नहीं। ओ शिट, तो यहां पर ही आना था मुझे। ओ ये रहे बाइकर्स, यही बंदे थे, इन सभी बंदे लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। Oh really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man and the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. ओके तो गाइस, माइकल की धमकी सुनते ही वो बाइकर्स और वैन लेके भाग गए। और अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब मैं उन लोगों से फाइट कर रहा था तो ऐसे ही एक बंदा था जो कि वैन लेकर भागा था, और इस एपिसोड के अंदर ऐसे ही बाइक लेकर मेरे ऊपर ये लोग जो है वो अटैक कर रहे थे और दो गन में, मतलब दो बुलेट में मैंने दो को डाउन कर दिया। अब मैं इसका टायर जो है वो फोड़ने वाला हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इसका पीछा करूँ, क्योंकि ये वहाँ पर ही जाने वाला जहाँ पर इसके और भी गैंग के बंदे होंगे या फिर इसका जो बॉस होगा वो होगा वहाँ पर। तो इसका हम लोग फॉलो करें या फिर इसके ही मार्ग गिरा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे इसका टायर फोड़ देना चाहिए, अगर मैं इसका टायर फोड़ता हूँ तो ये शायद रुक जाएगा, बट अगर इसका मैं पीछा करते रहूँगा तो हो सकता है कि ये अपने बॉस के पास जाए और इसके बॉस तक मैं पहुँच सकूँ। तो इसके टायर के ऊपर मैं कंटिन्यू हमला करते रहता हूँ, दोनों ही करके देख लेते हैं, इसके टायर के ऊपर भी हमला करते हैं और साथों साथ में इसके पीछे करते रहते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते, क्योंकि कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अगर देगा तो अच्छा रहेगा। एक टायर तो मैंने इसका फोड़ के निकाल दिया है, इतना परफेक्ट एम मारा मैंने और उसका टायर जो है वो एक तो फूट चुका है, बट फिर भी इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है। बट ये जो रॉन है मेरे साथ में वो कह रहा है कि हमें इसे फॉलो करना है ना कि इसे मार गिराना है, तो मैं इसे फॉलो ही करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर बुलेट वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आगे कितने बंदे आने वाले लॉस्ट गैंग के मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ पर बुलेट मुझे काम आएंगी। और फॉलो करने के लिए कह रहा तो ओके ठीक है फॉलो ही करते हैं हम लोग, शॉट्स मारने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल।
क्योंकि ये जहाँ पर भी जा रहा है इसके और भी बंदे वहाँ पर है, तो मैं इन लोगों के पूरे गैंग, जितने भी गैंग के बंदे हैं उनके पास मैं पहुँच सकता हूँ इसे फॉलो करके। तो इसे सिर्फ फॉलो करते हैं, अब मैं इसके ऊपर गोली नहीं बरसाने वाला। अगर मैं बरसा दूंगा तो ये यहाँ पर ही मर जाएगा और इनके लीडर के पास मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो शांति से इसको फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये इसलिए भी भाग रहा होगा ना क्योंकि ये अकेला है और अकेले तो ये मरने ही वाला है, ये तो पक्का है। ओके, तो यहाँ पर इसने रोकने के लिए कहा है तो मैं यहाँ पर ही रोकता हूँ गाड़ी को। ओके, तो ठीक है, अब ये बाइकर्स लोगों को मुझे डाउन करना होगा, तो अब मैं इन लोगों को डाउन कर देता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने अपनी गन चेंज कर लिया हूँ, अब इन लोगों का जो है वो एक एक ही गोली में इन लोगों को मैं मार गिराऊंगा, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक बंदा यहाँ से आ रहा है और ये डाउन। ओ शिट, एक गोली कहा था मैंने, बहुत ज्यादा गोली लग गई उसको, बट ये हम एक बंदा है, ये भी एक में डाउन। यहाँ पर एक बंदा है, ये भी। तुम लोग साले बहुत ज़्यादा जीना हराम कर रहे हो मेरा। यहाँ पर कुछ छुपता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर भी एक बंदा है, ये भी एक में डाउन। सीधा दिल पे गोली मार रहा हूँ इसके, एक्चुअली दिमाग पे मारना चाहिए था। एक सेकंड कहाँ भाग रहा है, भाग रहा था भाई, देखते साथ ही भागने लगा मुझे कि भाई जो है आज माइकल बहुत गुस्से में और सभी का जो है वो खात्मा करने वाला है। जो भी इधर पर दिखेगा सब फोड़ डालूंगा मैं। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते क्योंकि वो फूटने वाला है मेरे ख्याल से। ओ भाई 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 भाई, यहाँ से बहुत गलत टाइम पे रिलोड लगा था, बट उसकी एक भी बुलेट मुझे अभी तक का नहीं लगी होगी। अभी तक मुझे एक भी बुलेट नहीं लगी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो पीछे रिवर्स करके देख लेना। दो बंदे थे, दोनों को ही मैंने डाउन कर दिया। ये जो पिस्तौल है ना, जो मैं पिस्तौल से अभी इन लोगों को मार रहा हूँ, ये कोई मामूली पिस्तौल नहीं है, बहुत ही ओपी पिस्तौल है। इसकी बुलेट बहुत दूर तक जाता है और इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं इस पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रहा वो वैन, द लॉस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो द लॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉस्ट गैंग का ही वैन है ये, इसलिए इसके ऊपर द लॉस्ट लिखा हुआ है। कुछ बंदे और है, ये रहा एक और बंदा आ रहा है इधर पे। बहुत तुम लोग जीना हराम करके रखे थे मेरा। कुछ लोग और है, एक बंदा और भी आगे दिख रहा है मुझे। दो बंदे, एक तो ये इधर से जाएगा और दूसरा इधर से जाएगा। एक एक बुलेट में दोनों को डाउन कर दिया मैंने। एक और बंदा यहाँ पर है, साइड से निकल रहा था। ओके, तो ठीक है, जितने भी बंदे थे यहाँ पर मैंने सभी को मार गिराया और कुछ बंदे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग भाग ना पाए, अगर भाग जाएंगे तो फिर मुझे बाद में और दिक्कत दे सकते हैं। एक मुझे दिखा था, एक को मैंने डाउन कर दिया है। कुछ बंदे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ बंदे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तेरी तो माँ की आँख, तुम लोग को भागने नहीं दूंगा मैं आज। तुम लोग साले बहुत जीना हराम करके रखे थे, जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर आकर अटैक कर देते थे यार। अबे तुम लोग कर क्या रहे थे यार इधर पे, कुछ बंदे भाग गए यार, तुम लोग कर क्या रहे थे, मारना चाहिए था ना उन लोगों को यार। ये दोनों कोई काम के नहीं है, लेस्टर को इन लोगों की कंप्लेंट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये लोग कुछ काम के नहीं है। कुछ लोग भाग चुके हैं यहाँ से, उन लोगों को मुझे पकड़ना होगा। और वो जो बंदा भी यहाँ पे रुका हुआ है वो मेरे लिए स्टिकी बॉम्ब्स का इंतजाम करेगा, क्योंकि स्टिकी बॉम्ब्स आगे क्या काम आने वाले देखते। एक बंदा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक बंदा था, किधर गया पता नहीं किधर गया वो। ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग हम लोगों ने सभी लोग को मार गिराया है, अब आगे जाके देखते हैं। और भी लोग अगर मुझे मिलेंगे लॉस्ट गैंग के, तो वो लोग आज के आज ही खत्म होने वाले सब के सब। जितने भी लॉस्ट गैंग के बंदे दिखेंगे सबको मार दूंगा मैं आज। और यहाँ पर एक लॉस्ट गैंग का कुछ वैन वगैरह रखा हुआ है, तो वो भी हम लोग आज गिरा देंगे, क्योंकि यहाँ से भी ये लोग ऑपरेट करते हैं अपने गैंग को। ये जो आप नेटवर्क देख रहे हो ना ऊपर छतरी, इन लोगों उससे इन लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कहाँ पर है। जैसे कि मैं कहीं पर भी जाता था, ये लोग मुझे ढूंढ निकालते थे और मेरे ऊपर अटैक करते थे। अब ये जाने वाला है, इसका ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो नेटवर्क मैं पूरा तोड़ के गिरा दूंगा नीचे। बहुत दिमाग वाला बंदा था ये, साला मुझे बार बार ढूंढ के निकाल लेता था, कैसे को भी ढूंढ के निकाल लेता था। ये रहा इसका नेटवर्क और ये इसका नेटवर्क गया नीचे पानी में। My soggy friend, you are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true.
ओके तो गाइस ये अपनी जान की भीख मांग रहा है, क्या करा जाए, इसको छोड़ दिया जाए क्या? मगर इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये मुझे दोबारा से ढूंढ लेगा। इसका नेटवर्क जो था यहाँ पे जिससे भी ये मुझे ढूंढता था वो तो मैंने खराब कर दिया, बट इसे मैं छोड़ नहीं सकता। खत्म। ये जो इसका स्टेशन था ना वर्क स्टेशन, ये वर्क स्टेशन से किसी भी बंदे को ढूंढ निकाल लेता था। अब वो कैसे ढूंढ निकाल लेता था, शायद मोबाइल हैक करता था, नेटवर्क हैक करता था, पता नहीं, बट वो ढूंढ निकाल लेता था। अब जो है मैंने वो पूरा का पूरा उसका नेटवर्क स्टेशन ही ख़त्म कर दिया है, और उस बंदे को भी, इनका मास्टरमाइंड, लॉस्ट गैंग का मास्टरमाइंड को भी मैंने ख़त्म कर दिया है। अब भगाते हम लोग अपनी गाड़ी को और पहुंचते हैं इनकी नेक्स्ट लोकेशन पर। ओके तो गाइस अपनी कार को भगाते हुए अपने लोकेशन मतलब अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। बस मुझे यहां से लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेते ही मुझे एक और लेफ्ट लेना होगा और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतनी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो वीडियो को। इस वीडियो पे लाइक का एम रखते हैं 100 का एम कंप्लीट होते ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और गाइस चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय बाय।